फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो इन यूट्यूब चैनल, इसका नाम है CE&T सिविल इंजीनियर टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सिखाऊंगा स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंक्रीटिंग प्रोसेस। फ्रेंड्स, जो आप कंक्रीट कर रहे हैं हैंड मिक्सिंग या फिर RCC, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से कैसे उसमें करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, BTech है या फिर डिप्लोमा होल्डर है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है। एग्जाम में भी होता है, इंटरव्यू में भी ज़्यादा पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स आपको ये नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप BTech होल्डर हैं तो ये 7 सेमेस्टर में, ठीक है फ्रेंड्स, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते रहिए लास्ट तक, देखना इस वीडियो को, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लियरली से समझाऊंगा इस वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सीनियर टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, और साथ में लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं स्टेप्स क्या है कंक्रीटिंग के प्रोसेस के। कंक्रीट आपकी सबसे पहले आपको इंटरव्यू पूछ सकता है कोई भी, या फिर साइट पे सीनियर जूनियर, आपको पता होना चाहिए कंक्रीट होती क्या है। फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन क्या है। कंक्रीट इज़ ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या होता है फ्रेंड्स, सैंड का एंड ग्रेवल का, जो कैटेगरी होती है एग्रीगेट की। ओके फ्रेंड्स, एंड वाटर, तो इसमें जो मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है फ्रेंड्स, उसको कंक्रीटिंग कहलाते हैं। समटाइम्स इज रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन फ्रेंड होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ओके फ्रेंड्स, जो रेशियो होता है सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, जो रेशियो होता है उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी देख सकते हैं आप। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं स्टेप्स क्या बोलते हैं कंक्रीटिंग के। सबसे पहला होता है क्या फ्रेंड्स, बैचिंग। बैचिंग क्या होता है फ्रेंड्स, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग डिफरेंस कंक्रीट मटेरियल सच एज सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर फॉर ए मेकिंग ऑफ कंक्रीट। फ्रेंड्स, जो आपकी कंक्रीट है, जैसे M15 है, 20 है, 30 है, उससे जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग आपका जो वेट होगा, ठीक है फ्रेंड्स, मेथड जैसे वेज मेथड है, वॉल्यूम बैचिंग होगी एंड वेट बैचिंग। अगर आप जो कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, या तो उसको वॉल्यूम लेंगे या फिर उसका वेट लेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि किसका करना है, सीमेंट का वेट करना है, सैंड का वेट आपके पास सीमेंट का ऑलरेडी होता है 50 kg पर बैग होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसका सैंड का वेट करना है, एग्री का वेट करना है। वो मैंने वीडियो बना चुका हूँ मैं फ्रेंड्स, उसमें आप देख सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, उसका वॉल्यूम में बता चुका हूँ फ्रेंड्स में, एंड वेट में भी, और उसमें देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल क्लियरली से मैंने समझाया उसका रेशियो, जस्ट यही पिछले 8-10 वीडियो से पहले ही है। तो उसमें फ्रेंड वाटर भी मिक्स करना है, वाटर का भी आपको वाटर सीमेंट रेशियो, वो भी वीडियो बनाई है, वो भी देख सकते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, फॉर मेकिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है फ्रेंड्स, बैचिंग हम करेंगे तो किस तरह से करेंगे, उसका तरीका क्या क्या होता है फ्रेंड्स, वॉल्यूम बैचिंग करते हैं या फिर वेट बैचिंग। जो RMC प्लांट है, RMC प्लांट पे वेट बैचिंग या वॉल्यूम बैचिंग, या फिर आप हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, रोलर से, डंपर से जो होता है हैंड मिक्सिंग, उसमें कंक्रीट मिक्सर में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर क्या फ्रेंड्स, मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या करते हैं, मिक्सिंग इज रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन अंटिल द पेस्ट शोन इन यूनिफॉर्म कलर। फ्रेंड्स, आपको तब तक वो मिक्सिंग होनी चाहिए तब तक उसमें यूनिफॉर्म कलर नहीं आ जाता है। उसके मेथड फ्रेंड्स क्या होगा, RMC प्लांट से होंगे या फिर हैंड मिक्सिंग से। RMC जैसे प्रोसीजर होता है, उसको वेट कैलकुलेशन होता रहता है, एक ड्रम सा होता है उसमें वेट उसमें ड्रम से डलता रहता है पॉकेट से। ओके फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग भी वॉल्यूम से निकालता है हमें वेट से या फिर वॉल्यूम से। उसके बाद आपको हैंड मिक्सिंग करना है। अगर हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं तो एज पर रिक्वायर्ड सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्राई मिक्सिंग करना है। उसके बाद आपको वाटर करना है, आपको ड्राई प्रोसेस से वेट वॉल्यूम में करना है। तो आपको पहले सबसे पहले ड्राई करेंगे, उसके बाद वॉल्यूम पानी डाल देंगे उसमें। ओके फ्रेंड्स, तो हैंड मिक्सिंग हो जाता है RMC प्लांट। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन। फ्रेंड्स, कंक्रीटिंग होने के बाद आप उस कंक्रीट को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे कहाँ पे, रिक्वायर्ड एज पर साइट। व्हेन द मिक्सिंग इज डन प्रॉपरली द फ्रेश मेड कंक्रीट इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द कंस्ट्रक्शन साइट। फ्रेंड्स, जब ये मिक्सिंग हो जाएगी प्रॉपरली, ठीक फ्रेंड्स, डन प्रॉपरली हो जाएगा फ्रेश। फ्रेंड्स, जो आपकी कंक्रीट है सीमेंट एंड एग्रीगेट, वो होती है फ्रेश कंक्रीट। ओके फ्रेंड्स, CC कंक्रीट होती है, जब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें आराम से हो जाती है। फिर ये फ्रेश कंक्रीट होगी, इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द कंस्ट्रक्शन साइट एज पर रिक्वायर्ड। कंस्ट्रक्शन साइट पे होगी, जैसे कॉलम कास्टिंग फ्रेमवर्क के लिए फ्रेमवर्क होगा, कॉलम फुटिंग, जो भी आपकी फॉर्मवर्क होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी साइट पर ट्रांसपोर्ट होती है। मेथड क्या फ्रेंड्स, मैनुअल ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन। मैनुअल ट्रांसपोर्टेशन वो होता है जैसे लेबर से ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो सप्लाई करते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे आरएमसी आती है, रोलर आता है, उसमें एज पर साइड का अकॉर्डिंग लिफ्ट से ऐसे करते रहते हैं। मैकेनिकल क्या होता है फ्रेंड्स, लिफ्ट से होता है, ऊपर जाता रहता है, और या फिर होता है पंप होता है। ओके फ्रेंड्स, जो RMC प्लांट से होता है, पंपिंग से जाता है एज पर रिक्वायर्ड साइड, एज पर फॉर्म वर्क।
ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स क्या पॉइंट है कॉम्पेक्शन। कॉम्पेक्शन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? कॉम्पेक्शन इज द प्रोसेस इन विच द एयर बबल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट। फ्रेंड्स जो कम्पेक्शन होता है उसमें प्रॉपरली बॉन्ड होना चाहिए, एक दूसरे से कम्पेक्शन हो जाना चाहिए, प्रॉपरली बॉन्ड हो जाता है तो सीमेंट सैंड एग्रीगेट प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से। तो उसमें मेथड क्या कहलाता है फ्रेंड्स? इमर्शन वाइब्रेटर, आपने जो मोस्टली देखा होगा जो वाइब्रेटर यूज करते हैं कंक्रीटिंग के लिए, 40 mm, 20 mm, 25 mm मोस्टली कंक्रीट के लिए यूज करते हैं सलम के अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, जो आपका सलम होगा, सलम टेस्ट करते हैं, जैसे आप मैं वीडियो बना चुका हूँ वो भी फ्रेंड्स, सलम टेस्ट साइट पर कैसे करते हैं, वर्कएबिलिटी कंक्रीट की कैसे करते हैं, पूरा प्रोसीजर उसका, सलम कोन का मेथड पूरा, एक पॉइंट टू पॉइंट फ्रेंड्स, जो भी मैं वीडियो यहाँ पे लेकर आता हूँ ना, पॉइंट टू पॉइंट लेकर आता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझाए, कभी आप भूले ना साइट पे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। सलम कोन भी बता चुका हूँ, कंक्रीट कैसे आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड वर्कएबिलिटी ऑफ कंक्रीट, वो आप देख सकते हैं वीडियो में, मैंने बिल्कुल क्लियरली वीडियो बना चुका हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देखने का फ्रेंड्स मेथड इमर्स्ड वाइब्रेटर, जो कंक्रीट के लिए वर्कएबिलिटी जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग आप वाइब्रेटर यूज करेंगे। तो उसके बाद क्या फ्रेंड, फ्लैट वाइब्रेटर, अगर आपका कोई बीटू आपका जो रोड रोड वर्क का काम चल रहा है, अगर स्लैब है तो उसमें है थिकनेस ज़्यादा है तो रोड का रोड पेमेंट बिछा रहे हैं, ओके फ्रेंड्स, तो उसमें आप फ्लैट वाइब्रेटर मोस्टली यूज करते हैं। या फिर एक होता है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर वाइब्रेटर ऐसे कोई समथिंग होता है, ओके फ्रेंड्स। तो उसके बाद मेथड, इसके बाद आप क्या करेंगे, कंक्रीटिंग को टेस्टिंग के लिए भी ले जाएंगे, अगर आपकी जो भी ग्रेड है उसमें आप वर्कएबिलिटी यूज़ करेंगे, ओके फ्रेंड्स, वर्कएबिलिटी उसका अकॉर्डिंग आप वाइब्रेटर यूज़ करेंगे। उसके बाद क्रशिंग स्ट्रेंथ, ये दो मेथड आप यूज करेंगे, वर्कएबिलिटी क्या करेगा, आपका वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, क्या नहीं है, सही है या नहीं है कंक्रीट, अब इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट, ये दोनों वीडियो बिल्कुल क्लियरली से मैंने समझा चुका फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको प्रोसीजर बहुत समझ में आ जाए ये चीज़ भी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फ्रेंड्स कंक्रीट का करेंगे टेस्ट, क्यूब हम फिल करेंगे, 6 क्यूब फिल करते हैं मोस्टली, पूरा क्लियरली बता चुका हूँ वीडियो में देख लेना, ठीक है, वीडियो इसमें बताऊँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स मेथड क्या है, क्यूरिंग, क्यूरिंग क्या फ्रेंड्स क्या है, क्यूरिंग इज द प्रोसेस इन विच द कंक्रीट कीप्स इट्स मॉइस्चर फॉर ए कर्टेन टाइम पीरियड टू कंप्लीट द हाइड्रेशन प्रोसेस। फ्रेंड्स ये हार्डन्ड जो होती है, हार्डन्ड तक इसको हम कंक्रीट क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग कितने टाइम तक, कितने टाइमिंग तक करनी चाहिए, ओपीसी के लिए कितने टाइम तक करनी, पीपीसी के लिए कितने टाइम तक करनी चाहिए, फ्रेंड्स सभी वीडियो मैंने भी बना चुका हूँ, वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्यूरिंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए एंड ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्यूरिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, मिनिमम 7 डेज के लिए, किस बीम के लिए कितना डेज होता है और ओपीसी के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे मेन टॉपिक पीपीसी के लिए जो यूज होता है मिनिमम 8 डेज से होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आप सीमेंट कर रहे हैं लो हाइट सीमेंट का, तो उसमें मिनिमम 14 डेज से ज़्यादा होना चाहिए, ओके फ्रेंड्स, ग्रेटर देन 14 डेज। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट्स करना, थैंक यू।